हेलो दोस्तों, ये मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर किया था। तो चलिए फ्लिपकार्ट, ये हमारा ऑर्डर तो आ गया है, इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी ये क्या, मेरी तो नीब टूट गई। तो हमने जुगाड़ बदल दिया, अब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और इससे हम बनाएंगे एक शानदार प्रोजेक्ट। हमारा थर्मोस्टेट कंट्रोलर यह है, यह है, डीसी वोल्ट डीसी का अडेप्टर, 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर, 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एक अडेप्टर है। इसकी वायर कोई खास मजबूत नहीं लग रही है, पता नहीं कैसा है। और साथ में है ये कुछ, ये है हमारा ये है डीसी फैन, एक हाई स्पीड फैन है। ये देख रहे हैं 12 वोल्ट 0.15 एम्पियर, एक बीएलडीसी फोन फैन है ये, डीसी प्लसलेस बीएलडीसी फैन। अब ये पता नहीं कैसा है, फिलहाल तो हम इसे अनबॉक्सिंग कर दिए हैं। और इसमें क्या है, इसमें ये शायद 12 पीसी होगा। ये हो गई टाई, और ये है दो फैन। तो हम इसे काटेंगे फिर देख पाएंगे कि इसके अंदर वो है या नहीं। ये है टेम्परेचर सेंसर और ये है थर्मोस्टेट कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर। ये इसका रिले है, ये डिस्प्ले है, ये 1 2 3 स्विच है इसके सेटिंग बटन से। और बाकी कैसे काम करता है, कैसे इसे कनेक्ट करेंगे हम देखेंगे। अभी तो बस मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, जस्ट इसे ओपन किया हूँ, रिव्यू कर दिया हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे सामान आए हैं, तो हम इसे आज चेक कर लेते हैं कि जो थर्मोस्टेट सर्किट है वो सही है या नहीं, एक बार देख लेते हैं इसे। तो चलिए इस सॉकेट को हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। पहले इसे हम पंखे से जोड़ लेते हैं, हम दोनों फैन को चेक करके देखते हैं। यह है रेड में, रेड को कनेक्ट करते हैं और ये ब्लैक से, देखिए ये रेड से रेड को किया गया है और ब्लैक से ब्लैक को। अब देखते हैं ये सही है, ठीक है या नहीं। हमारा ये पंखा, हाँ पंखा तो ठीक है, कोई खास स्पीड नहीं है। इतना हवा से काम चलेगा, ये तो हवा ही नहीं है। चलिए फिलहाल हम चेक कर लिए हैं, हमारा ये ठीक है। एक फैन तो ठीक है, अब दूसरा फैन को देखते हैं। फैन को हम डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं क्योंकि 12 वोल्ट है डीसी, और पंखा भी हमारा जो फैन है वो भी 12 वोल्ट डीसी। चलो इसमें भी रेड में रेड लगाते हैं। और ब्लैक के साथ ब्लैक कनेक्ट करते हैं, इसे भी चेक करते हैं।
ये दोनों आपस में सट ना जाए वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अब इसे भी देखते हैं, इसका स्पीड थोड़ा सा और कम है। फैन तो हमारा सही है पर ये स्पीड नहीं है यार, हाई स्पीड फैन लेना होगा। थोड़ी सी स्पीड में मैं परेशान हो गया, इससे कूलर कैसे बनेगा। चलिए देखता हूँ क्या कर पाता हूँ। ये तो हमारा सही निकला। अब बारी है इस सर्किट बोर्ड को टेस्ट करने की, सर्किट बोर्ड हमारा सही है या नहीं। सर्किट बोर्ड में देखिए फर्स्ट नंबर जो है K0 K1 12 वोल्ट पॉजिटिव 12 वोल्ट एंड ग्राउंडिंग, ठीक है। और ये तीन बटन दिए गए हैं रिसेट के लिए, जो सेटिंग के लिए, एक डिस्प्ले है, एक रिले है। बाकी इसे हम देखते हैं, पहले ऑन करते हैं। और यह है टेम्परेचर सेंसर। तो जो ग्राउंडिंग है, ये ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग में पहले इस ग्राउंडिंग में हम ब्लैक देंगे और 12 वोल्ट में रेड बार देंगे, ठीक है। चलिए हम देख इसका कनेक्शन करते हैं, यहाँ देंगे रेड और यहाँ ब्लैक। ये देखिए ब्लैक, चलिए ये हमारा सही तरीके से लग गया। देखिए पहला वाला में रेड है ब्लैक और दूसरा में रेड, इस प्रकार से हम इसे कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं ये सही है या नहीं। तो पावर दे रहे हैं या पावर तो आ चुका है, मतलब हमारा सर्किट बोर्ड बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ये तो काम कर रहा है। अब ये सेंसर भी देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं। इसका टेम्परेचर अभी 33.8 34। देखिए मैं इसे दबा कर रखता हूँ तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है 34 35। अच्छा मैं छोड़ देता हूँ तो 34 33। ये बिल्कुल सही है और हमारा ये टेम्परेचर सेंसर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसका मतलब हमारा सर्किट बोर्ड वगैरह सब सही है। अब इससे बनाने वाले हमें कूलर करने वाले, इसी से सर्किट से कनेक्ट कर, और फैन भी कनेक्ट करना है इसी से। तो चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम यही देखेंगे। आज जस्ट देखना था कि ये सर्किट और सारा जो डिवाइस है वो सही है या नहीं। तो ये सारा डिवाइस बिल्कुल सही है, सही तरीके से काम कर रहा है। फैन का स्पीड थोड़ा कम है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं बनाता हूँ और अगर फैन का प्रॉब्लम आया तो मैं दूसरा बदल दूंगा। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि इसे हम बनाते कैसे हैं। थैंक यू।